सर मेरा सर सेकेंड क्वेश्चन ये है कि सर एज अ प्लेयर मुझे क्रिकेट बिगिनिंग से चालू करता है, मतलब शुरुआत से मुझे शुरू करना है, तो सर उसके लिए मैं कौन सी चीज़ कंसिडर करूँ और उसके लिए मैं क्या करूँ? देखिए अभी ये तो नॉर्मली बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये क्वेश्चन हर कोई पेरेंट के और हर कोई न्यू स्टूडेंट के मन में हमेशा आता ही है कि कहाँ से शुरू करूँ। इतने एकेडमीज है, इतना अलग अलग फैसिलिटीज हर जगह अवेलेबल है, तो कहाँ से शुरू करें और क्या करें, मतलब हाउ टू बिगिन। तो पहली बात तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहले स्टडी कीजिए कि आप कहाँ रहते हो, आपके सराउंडिंग के आसपास कौन से एकेडमीज है, आप पहले वो रिसर्च कीजिए। फिर वो सराउंडिंग के एकेडमीज रिसर्च करने के बाद आप देखिए कि वो एकेडमीज के अंदर का आप फीडबैक लीजिए लोगों से कि कौन से एकेडमी में कौन से फैसिलिटीज अच्छी है और कौन से जगह पे कोचिंग अच्छा है, फैसिलिटीज अच्छी है और बाकी की चीज़ें जो होनी चाहिए क्रिकेट के एनवायरनमेंट के लिए, मतलब जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा है क्या, ग्राउंड अच्छा है क्या, फैसिलिटीज अच्छी है क्या, कोचिंग अच्छी है क्या, वो फाइंड आउट कीजिए आपके नियर अबाउट एरिया। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपके घर के बाजू में जो भी एकेडमीज है वो शायद उतने अच्छे नहीं होते, तो आपको ऐसे नहीं देखना है कि ये मेरे घर के नज़दीक है तो वहाँ जाके जो होता है करेंगे क्योंकि अपने आने जाने का खर्चा बच जाएगा, क्योंकि ये गलत अप्रोच है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कभी भी कोई चीज़ शुरू करने के पहले, कुछ भी चीज़ शुरू करने के पहले, कोई भी स्पोर्ट में हो या कोई भी एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग में हो, वहाँ वो जो सिखा रहे हैं उनकी क्वालिटी होनी चाहिए वो लोगों की। मतलब इसका मतलब ये सबसे मेन प्रायोरिटी है सही गुरु का चुनना। अगर आपने सही गुरु नहीं चुना तो बाकी की सब चीज़ें आपके पास रहेगी, जैसे फैसिलिटीज रहेगी, ग्राउंड रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन अगर वो टीचिंग ही वहाँ का गलत है या अप टू द मार्क नहीं है, फाउंडेशन बराबर नहीं बनेगा, तो बाकी की सब चीज़ें व्यर्थ है। लेकिन अगर आपके पास गुरु सही है, उसके पास नॉलेज सही है, तो बाकी की चीज़ें अगर नहीं भी रहेगी तो वो गुरु इतना उसमें गुण रहेगा, इतना आप होशियार रहेगा कि आपको वो फैसिलिटीज़ के अंदर आपको बेस्ट से बेस्ट तैयार कैसे करें उसको पता रहेगा, और फिर आगे जाके वो आपके इम्प्रूवमेंट को देखते हुए आपके लिए फैसिलिटीज़ का बंदोबस्त अपने आप ही करेगा, क्योंकि वो गुरु अच्छा है, उसको पता है क्या बच्चे का कैलिबर है और उसके हिसाब से वो बच्चे के कैलिबर के हिसाब से वो बताएगा कि ये अभी यहाँ तक पहुँच गया, इसका लेवल यहाँ तक है, अभी इसको आगे लेके जाने की ये चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसको पता रहेगा और वो बराबर वो चीज़ें आगे जाके करेगा आपके लिए जब वक्त आएगा तब। आप सिंपल एग्जांपल देख लीजिए, कोई भी आप बड़ा अचीवमेंट इंडियन क्रिकेट में देख लीजिए और कोई भी आप देख लीजिए, T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, कोई भी अच्छी टीम बिना अच्छे कोचिंग के कभी भी ये सब चीज़ें, ये बड़ी बड़ी विक्ट्रीज अचीव नहीं कर सकती। और ये सिर्फ क्रिकेट के लिए लागू नहीं होता है, ये हर स्पोर्ट के लिए लागू होता है। बिना सही गाइडेंस के कोई भी लेवल ऑफ क्रिकेट या कोई भी गुड लेवल ऑफ स्पोर्ट में कोई भी गुड लेवल पहुंचना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि पहली बात तो चाहिए सही गुरु, उसके बाद चाहिए सही माहौल, पॉजिटिव माहौल। माहौल बहुत ज़रूरी है, फैसिलिटीज कम रहे तो भी चलेगा लेकिन माहौल सही होना चाहिए। माहौल का मतलब क्या, वहाँ पे पॉजिटिविटी होनी चाहिए, हर बात पे एक अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच का मतलब ये है कि हर बार आपने क्वेश्चन पूछा, पहली बात तो क्वेश्चंस के लिए हमेशा ओपन रहने चाहिए कोचिज को, तो उससे क्या होता है कि बच्चा खुल जाता है, जितना बच्चे खुलेंगे उतना क्वेश्चन पूछेंगे, उतना वो उनके डाउट्स क्लियर होंगे, उतना वो उनको अच्छा लगेगा कि सर हमारे हर क्वेश्चन का जवाब दे रहे, चाहे वो सेंसिबल क्वेश्चन हो या नॉन सेंसिबल नहीं हो, तो उनको एक फीलिंग ऑफ कंफर्ट लगेगा और फिर वो गुरु के साथ कंफर्टेबल हो गए और फिर वो ओपन अप हो गए एज चिल्ड्रेन, तो उनका अंदर का जो टैलेंट है वो अपने आप बाहर आएगा। तो एज अ कोच ये भी ज़रूरी है कि आप बच्चों को पहले कंफर्टेबल बनाएं आपके यहाँ, ताकि उनका अंदर का जो स्किल है वो बाहर निकले, वो डरे नहीं आपसे। तो इसलिए सही गुरु का होना और सही माहौल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बाद में फैसिलिटीज, ग्राउंड, ये सब चीज़ें तो ज़रूरी है ही। डिस्टेंस फ्रॉम हाउस, कभी कभी दूर भी रहा तो नहीं चलेगा, लेकिन
दूर जाने के बाद अगर वो इंसान और वो माहौल सही है तो इट इज वर्थ गोइंग एंड कमिंग। आप बोलोगे मेरे घर के नजदीक है तो मैं वहां जाता हूँ, वो दूर है वहां जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन घर के नजदीक ये सब चीजें आपको सही सिखाई नहीं जा रही है तो आपका लॉस है आगे जाकर। और ये आप बोल पूछोगे फिर मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन के, सर पता कैसे चलेगा कि ये गुरु सही है और ये सब सही सिखा रहे कि नहीं सिखा रहे, तो इसके लिए बराबर है ये क्वेश्चन है, तो आप सेल्फ एनालाइज कैसे करें कि ये गुरु सही है, वो सही है, ये सही है कि वो सही है, ये सही है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि आप थिंकिंग क्रिकेटर बनो। अभी क्रिकेट आप इतना बड़ा हो गया है, सब बाजू सब चैनल्स पे वीडियोस सब लोग इतना पोस्ट कर रहे हैं, नॉलेज इतना भर भर के पड़ा है यूट्यूब पे, हर जगह नॉलेज है, तो ये नॉलेज कौन सा अपने को एप्लीकेबल है और कौन सा सही है अपने लिए सही है, और नॉलेज तो नॉलेज है लेकिन अपने लिए वो वर्क कर रहा है कि नहीं वो कौन बताएगा, वो फिल्टर करना कोई बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप सेल्फ थिंकिंग क्रिकेटर बनो, देखो ऑब्जर्व करो। आप एक जगह गए, आपने एक टाइम की कोचिंग स्टडी की, देखी वो कोच कैसे सिखा रहा है, आपको एक फीडबैक मिला, ठीक है ऐसे ही आप दो तीन जगह और जाओ, देखो आपको कैसे लग रहा है माहौल, कोचिंग का तरीका, ये वो, ऐसे आप टाइम स्पेंड करके आप एक डिसीजन पे बाद में आ सकते हैं। एक एक्स नंबर ऑफ जगह घूम के देख के ट्रायल देख के पता चलेगा आपको कि कौन सा माहौल आपके लिए सुटेबल है। वो बोलते हैं ना जैसे सिर्फ गुरु शिष्य को नहीं चुनता, शिष्य भी गुरु को चुनता है, तो अगर आपने सही गुरु नहीं चुना तो आपका ही आगे नुकसान है। जैसे सादा एग्जांपल देता हूं, ये क्रिकेट का तो मैंने बोल दिया, इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल शिष्य गुरु के रिलेशनशिप पे है महाभारत, कृष्ण भगवान और अर्जुन। अगर अर्जुन ने कृष्ण भगवान को एज ए गुरु नहीं माना होता, जबकि वो सिर्फ एक दो साल या सेम उम्र के थे, वो एक्चुअली फ्रेंड्स थे, पर फिर भी उसने उसको उसका गुरु क्यों माना, क्योंकि उसने देखा कि ये जो है ये खुद ही अवतार है, इनसे बड़ा कोई नहीं है। वो कन्विंस भी होने को उनको टाइम लगा कि अरे भाई ये खुद अवतार है। और अगर तुम सबसे उत्तम गुरु नहीं चुनोगे तो आप सबसे उत्तम नहीं बनोगे। इफ यू हैव टू बी द बेस्ट, यू हैव टू चूज एंड फॉलो द बेस्ट। अगर आपको बेस्ट बनना है कोई भी डिपार्टमेंट में, कोई भी एस्पेक्ट में, आपको बेस्ट को ही फॉलो करना। आप नहीं बोल सकते मैं इधर कॉम्प्रोमाइज करता हूँ उधर कॉम्प्रोमाइज करता हूँ, हाँ ये चल जाएगा वो चलेगा, ये चलेगा वो चलेगा, एटीट्यूड में आप कभी बेस्ट नहीं बन सकते। फिर आप एवरेज क्रिकेटर बन के रह जाओगे और एवरेज क्रिकेटर का कोई जगह नहीं है इधर, कोई स्कोप नहीं है। आपको अगर बेस्ट बनना है तो आपको बेस्ट को ही सिलेक्ट करना है और बेस्ट का ही सुनना है। आपको हर लोग बताएंगे, सब लोग बताएंगे ये करो वो करो, गाइडेंस अलग अलग मिलेगा, अरे भाई ये कर ये गलत है ये सही है, वो दूसरा बोलेगा ये गलत है ये सही है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन आप अगर टाइम लोगे आपका गुरु चुनने के लिए, तो जब आप पता है कि इसको ही सब ज्यादातर मालूम सही है तो आप उसी का सुनोगे, नहीं तो जो भी फीडबैक दूसरों से मिला है वो जाके उनको बताओगे, फिर वो आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या सूटेबल है और क्या नहीं। क्योंकि नॉलेज तो ठीक है लेकिन आपके लिए क्या सूटेबल है वो बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप एज ए इंडिविजुअल यूनिक हो, ऐसे हर स्टूडेंट एज ए इंडिविजुअल स्टूडेंट यूनिक है, तो आपको जो सूट होता है वो शायद दूसरे को सूट नहीं होएगा, वो तीसरे को सूट नहीं होएगा, वो चौथे को सूट नहीं होएगा, तो हर एक चीज को हर एक को अलग अलग चीजें सूट होती है। तो वो चीज वो गुरु को ही पता है कि हाँ इसको ये सूट होगा, इसको ये जमेगा, उसको वो जमेगा, इसको ये जमेगा, इसको ये जमेगा। ऐसा भी होता है कि अगर मेरे साथ कोई लेग स्पिनर रहता है, एक लेग स्पिनर हूं, मेरे साथ कोई लेग स्पिनर रहता है, जो कोच ने मुझे जो टिप बताई है ना कि तू ये कर इससे तेरा बॉल ये वे में टर्न होगा, लेकिन सामने वाला उसको कुछ और बात आती है लेकिन रिजल्ट वही आता है कि ये टप्पे से ये बॉल इतना घूमेगा, या फिर तेरा बॉल टर्न नहीं हो रहा, तेरा हिप रोटेशन नहीं लग रहा, फिर या फिर फिंगर या फिर रिस्ट पोजीशन सही नहीं है, उसको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं। क्योंकि उसको एज अ कोच पूरा एनालाइज करते हैं कि इसका गलत किधर हो रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो कोचेस रहते हैं ना, जो सही कोचेस रहते हैं जिनके अंडर में हूँ, वो वहाँ पे होता क्या है सर, मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग पूरा एनालाइज करते हैं, वो स्टार्टिंग में नहीं बताते तो ये करेगा तो ये होगा, पहले देखते एक दिन दो दिन देखते, पहले उसको एनालाइज करते, फिर वहाँ पे डिफॉल्ट निकला ना कि पूरी मशीन एक रहती है, उसके अंदर एक गलती क्या है, उसको वजह से एक चीज़ हो रही नहीं है, तो वो क्या करते हैं वो चीज ढूंढते हैं, उसका सोल्यूशन उनके पास रहता है,
क्योंकि वो लेवल की कोचिंग उन्होंने की है और वो खुद मोस्ट ऑफ द टाइम आपने भी मुझे बोला था दूसरे कोचेज के मैं अंडर रहता हूँ आपसे तो स्टार्टिंग से हुए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सर आपके और उनके अंदर एक ही डिफरेंस है कि आपका बताने का अंदाजा लगे क्योंकि आपने जो सीखा है वो एक फाउंडेशन है और वो फाउंडेशन की वजह से अभी जो जो मैं हूँ या फिर जो जो मैं कर रहा हूँ वो फाउंडेशन आपका अच्छा था, इसलिए मैं आगे जाके अलग चीजें ट्राई कर सकता हूँ। अगर फाउंडेशन ही मेरा डगमग गया तो उधर से मैं आगे की चीजें नहीं कर सकता। बराबर सही। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सर क्या होता है कि मेरे साथ जो है उसका फाउंडेशन अलग है और मेरा फाउंडेशन अलग है, तो उसके बेसिस के ऊपर से वो कोच एक दूसरा टिप्स दे देगा वो गुरु को समझना बहुत जरूरी है। तो ये जब चीजें एज ए सब्जेक्टिव इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल हर एक को ट्रीट करेंगे तभी ये होगा। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट जैसे मैंने बोला सीक्वेंस, सही गुरु का चुनना, गुरु का चुनने के बाद सही माहौल, पॉजिटिव माहौल, उसके बाद तीसरी चीज़ है फैसिलिटीज, फिर फीस और वो सब चीज़ें, फिर नियरनेस फ्रॉम योर रेसिडेंस और बाकी की जो भी चीज़ें जो ज़रूरी है वो ये ऑर्डर में मिलती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है सही गुरु का होना।